कर्नाटक में बीजेपी को झटका, एमएलसी पुतन्ना ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। गुजरात विधानसभा में हंगामे के आसार, आज बीजेपी विधायक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। कांग्रेस का धनखड़ पर पलटवार, राज्यसभा सभापति अंपायर, वो सत्ता पक्ष के लिए चेयर लीडर नहीं हो सकते। विंध्या में कांग्रेस की वापसी के लिए जुटे दिग्विजय, आज से सतना रीवा में लेंगे बैठकें, 7 जिलों की 29 सीटों में से सिर्फ 5 कांग्रेस के पास। राहुल गांधी के खिलाफ आज सुनवाई करेगी विशेष अधिकार समिति, बीजेपी सांसदों की शिकायत के बाद मिला था नोटिस। मवेशी तस्करी घोटाले में बड़ी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें, आज होगी कोर्ट में पेशी, फिलहाल ईडी हिरासत में है अनुव्रत। पंजाब में पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी, विपक्षी पार्टी आज विधानसभा का करेगी घेराव, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर विधानसभा तक निकालेंगे पैदल मार्च। राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का जोरदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, बारिश से तापमान में गिरावट, आज राजधानी दिल्ली में हो सकती है बारिश। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 84 मिसाइलें दागी, 11 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। नाइजीरिया के लागोस में ट्रेन से भिड़ी बस, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। जर्मनी के हैमबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से कोहराम, गोलीबारी में कई लोगों की मौत। तुर्की में आज से शुरू होगी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के नाम के लिए किया जाएगा सर्वे। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 थी तीव्रता, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। शेयर बाजार में फिर बिकवाली, सेंसेक्स 709 अंक टूटा, निफ्टी 17,400 के नीचे पहुंचा। एप्पल भारत में पहली बार बनाएगी अलग बिक्री क्षेत्र, कैंपा 50 साल बाद फिर हुआ लॉन्च। फॉरेक्स बाजार को करना होगा नई चुनौतियों का सामना, बाजारों के विकसित होने से पैदा होगा जोखिम। संशोधित विनिवेश लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएगी सरकार, 2,516 करोड़ मिले थे एलआईसी आईपीओ से। कंपनियों ने जारी किया पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर।